नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप एक फार्मेसी के संचालक हैं, आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर आपकी मंशा है कोई मेडिकल स्टोर खोलने की, वो है अगर कोई कस्टमर ने आपके शॉप से कोई दवा परचेज की और उसके कुछ दिन के बाद वो दवा आपको वापस लौटाने आ रहा है, भैया ये दवा आप वापस ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, पैसा आपको वापस दे दीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा, जो मैंने सोचा समझा सीखा है, वो सारा अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब कोई कस्टमर आपके शॉप से दवा परचेज कर रहा है, तो आप उस समय उस कस्टमर को एकदम एक्यूरेट, एकदम सही दवा दें कि ये नौबत ही ना आने पाए कि वो आपको दवा वापस करने आए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो पेशेंट को दवा खाई, उसको कोई एलर्जी रिएक्शन दिख गया और कुछ साइड इफेक्ट्स दिख गए, वो मतलब या फिर पेशेंट को कहीं और दिखाना पड़ गया, कहीं और किसी और को दिखाना पड़ गया, उस डॉक्टर ने बोला भैया दवा बंद करो, जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको लिखो, तो ऐसे स्थिति में पेशेंट आपके पास दवा वापस करने के लिए आएंगे। और यकीन मानिए, जब कोई पेशेंट दवा वापस करने के लिए आता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। हो सकता है कि कभी कभी आपने अभी शॉप खोली हो, आप पूजा पाठ ही कर रहे हो, और इतने में ही सुबह सुबह पेशेंट पहुंच जाए कि भैया ये दवा जो है वापस कर लीजिए। आपको उम्मीद होगी पेशेंट आ रहा है, अभी दवा आपसे खरीदने वाला है, पैसा आपको दे करके जाएगा, भैया बोला है दवा आप अपनी वापस कर लीजिए, हमको पूरा पैसा वापस कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या चीज करना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना है। देखिए, जब भी कस्टमर आपसे दवा वापस करने के लिए आए आपकी शॉप पर, तो आपको अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आपको मन में गुस्सा रहेगा, मन में आप झुंझलाए रहेंगे, मन में जो है टेम्परेचर आपका 108 डिग्री पहुंचा रहेगा, लेकिन वो चीजें आपको कस्टमर के फेस पर शो नहीं करनी। एकदम से शांत बने रहें। अच्छा, दवा वापस करनी है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हुई, क्यों वापस कर रहे हैं आप, वो बताएगा ये कहानी थी, ये हुआ हुआ वो हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वापस कर ले रहा हूँ। जो दवा उसने आपने दी थी, आप एक बार मिला लें कि हाँ ये दवा जो लग रहा है कस्टमर, ये आपके यहाँ से ये कहीं और से लेकर के आए थे, आपको वापस कर रहे हैं, ये चीज पहले कंफर्म कर ले कि दवा आपके यहाँ ऐसी थी। अगर दवा आपके यहाँ से रहे तो आप वापस कर ले, जितनी गोलियां उसने खाई है आप उतना उनको पैसा काट करके वापस कर ले। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना ये है कि मान लीजिए कि आपने दवा बेचते वक्त उस कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे रखा है, मान लीजिए आपने 10% डिस्काउंट दे रखा है, तो जब आप दवा वापस करेंगे, जब आप दवा से लेंगे दोबारा, तो आपको वो डिस्काउंट काट करके उनको पैसे वापस करने हैं। कभी कभी कस्टमर जो है दुकानदार भूल जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो आप वो डिस्काउंट काट करके ही पैसे वापस करें, ऐसा ना करें कि पूरा वापस से जो आपने दे दिया, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और कस्टमर से कभी भी गुस्सा नहीं करना है, कभी भी ये नहीं कहना है कि भैया हम दवा वापस नहीं करने वाले, दवा वापस नहीं होगी, आप जाइए यहाँ से, दवा वापस नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कहना है। कभी भी दवा लेने आए तो वापस नहीं आए, आप उसको बहुत मोहब्बत से, बहुत सम्मान से, जितने मोहब्बत से जब वो दवा परचेज कर रहा था आपने बात की हो, उसके दुगने मोहब्बत से आप उससे दवा वापस लेते वक्त भी बात की हुई, क्योंकि आपसे किसी कस्टमर ने 100 बार दवा ली और आपने उससे बहुत अच्छा बिहेव किया, एक बार अगर आपने ये गलती कर दी, आपने कस्टमर की दवा वापस नहीं की, तो वो आपकी एक गलती उस कस्टमर के दिमाग में रजिस्टर कर जाएगा और वो कस्टमर उसके बाद आजीवन आपके शॉप पर कभी भी नहीं आने वाला है। मतलब आप एक कस्टमर परमानेंटली खो देंगे। वो बात नहीं जो होती है, जो ना होता है, जो नो होता है, वो कस्टमर के दिल पर जाकर के लगती है। तो ध्यान दें, अगर कोई कस्टमर दवा वापस करने आए तो आप उसको दवा वापस ले लें। मैं जानता हूं कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि डॉक्टर से बात हो गया था, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिल पे पत्थर रख के थोड़ा बहुत घाटा सह करके भी ये करना पड़ सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके बिजनेस के लिए बढ़िया होगा। अगर आपने उसको प्यार से वापस ले, तो अगली बार वो दवा लेने के लिए आपके बिहेवियर को देख करके अगली बार आपके पास वो फिर से आएगा और आपका जो नुकसान था वो कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कस्टमर भी नहीं टूटेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो भैया मैं जानता हूँ ये एक कड़वी खुराक है, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी अगर आप एक फार्मेसी के संचालक है। जो मेरा अनुभव कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन ये जो मुझे लगा, जो मैंने सीखा समझा, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है।
तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक कि आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।